इतना अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट में विन किया हूँ ये करीब है मेरा 1,90,000 एक में मिला था मुझे, और ऐसे करके कई अमाउंट में मिला है, एक में मुझे 70 लाख रुपए मिला है जी। तो ये सारे अमाउंट में अब आपको क्या बताऊं, मैं यही 11-12 टीम बना के मैंने खेली है। दोस्तों आज हम आपको ड्रीम इलेवन के एक ऐसे विनर से परिचय कराने वाले जिन्होंने अभी हाल ही में ड्रीम इलेवन के दोस्तों एक लीग में रैंक 1 लाई और दोस्तों यहां पे अच्छा खासा प्राइज उनके लिए है, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मोमन 99% लोग ड्रीम इलेवन से रैंक 1 लाना चाहते हैं भाई, जाहिर सी बात है सबको करोड़पति लखपति बनना है क्योंकि ड्रीम इलेवन भाई देता है, तो यहाँ पे विनिंग करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सही स्ट्रेटजी के थ्रू आप लोग टीम नहीं बना पाते हैं, सही जानकारी थ्रू आप लोग विनिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके रिगार्डिंग आपका हो जाता है भारी भरकम नुकसान। तो इस रिलेटेड अगर आपको दोस्तों यहाँ पे चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कैसे ड्रीम इलेवन में रैंक 1 ला सकते हैं, तो आज खुद मखुद ड्रीम इलेवन के विनर से हम आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों रैंक 1 प्राप्त की है और बेहतरीन प्राइस के साथ यहाँ पे ड्रीम इलेवन में अपना परचम लहराया है। तो भाई साहब का क्या नाम है, कहां रहने वाले हैं, कैसे टीम बनाते हैं, कितनी टीम बनाते हैं और दोस्तों कैसे ड्रीम इलेवन का जो सीक्रेट है इन्होंने डिकोड कर लिया है, उसके बारे में आज को हम जानकारी देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लोग यार लास्ट तक देखो, क्योंकि जो जानकारी यहां पे हम देने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो अगर वाकई में रैंक 1 लाना चाहते हो तो। और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो। और टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप लोगों को टीम वगैरह मिलती है तो ज्वाइन कर लें। सो दोस्तों आज हम आपको मिलाने वाले हैं राजस्थान के रघुराज जी से। रघुराज जी आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप ड्रीम इलेवन कितने साल से खेल रहे हैं और ड्रीम इलेवन के बारे में कहाँ से आपको पता लगा था। जी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा जी। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ मैं जयपुर से हूँ, बेसिकली राजस्थान से जी। जयपुर में मैं यहाँ, मुझे आप अगर ड्रीम इलेवन के बारे में पूछे तो मैं ड्रीम इलेवन जो है सर पिछले दो साल से मैं खेल रहा हूँ और स्टार्टिंग में मेरा लॉस भी हुआ, काफी ऐसा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया गेम खेलना और जैसे जैसे मुझे पता चला कि ड्रीम इलेवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं कुछ पैसे मतलब डाल के अगर बढ़िया पैसा बढ़िया अमाउंट अर्न कर ले रहा हूँ तो इससे अच्छा क्या काम है। तो मैंने ड्रीम इलेवन के बारे में पहले तो जनरली अपने दोस्तों से सुना, जो मेरे दोस्त वगैरह खेलते थे तो ऐसे सारा दिन ऐसे बैठे रहते थे फोन लेके, जब भी मैच स्टार्ट हो जाए या क्रिकेट हो या वॉलीबॉल या फुटबॉल कुछ भी मैच स्टार्ट होता था तो लोग, ये मेरे दोस्त जो भी हैं शेखर होकर करके 2-3 दोस्त है मेरे, तो ये लोग अपने फोन में लेके बैठ जाते थे और शाम को ही बैठते थे लेके, तो मैं देखता था इनसे, पूछता था क्या कर रहे हो, कह रहे बस कुछ नहीं यार, छोटा मोटा काम है, ऑनलाइन काम है अपना जो है सट्टेबाजी का। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है यार। तभी मुझे पहले, मैं IPL खेलता था पहले, जब तो बुक करके खेलना होता है ना, वो डिब्बा वाला खेलता था, तो वो वाला खेलता था तो उसमें मुझे काफी लॉस हुआ करता था। तो जब यहाँ का मेरा एक दोस्त है शेखर, उसके थ्रू मुझे पता चला कि ड्रीम इलेवन है, तो 2 साल पहले उस बंदे ने मुझे ड्रीम इलेवन सिखाया, कैसे क्या टीम बनाना है, कैसे क्या होता है उसमें, कैप्टन और वाइस कैप्टन रखना होता है, तो सारा कुछ उसने मुझे सिखाया। लास्ट में जब वो सिखा दिया तो मैं स्टार्टिंग में लगाने लगा बढ़िया, मतलब मुझे वहां सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहां छोटी छोटी लीग होती थी, लीग का मतलब ये कि छोटे छोटे अमाउंट में बढ़िया अमाउंट मुझे मिलता था, तो स्टार्टिंग में तो मैं थोड़े बहुत पैसे लगा कर जो है खेलना स्टार्ट कर दिया, तो कभी आता था कभी चला जाता था, कभी पैसे मेरे जितना लगा उतना ही आता था, बड़ी विनिंग नहीं कर पाया मैं। है भाई, जब आप लगाना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाएंगे बढ़िया स्ट्रेटजी, तब आपको थोड़ा सा मतलब कुछ उसमें प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचे कि ऐसे ही मतलब हवा में बना दें तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला सर। तो मैटर ये हुआ जब मैं टीम बनाना स्टार्ट कर दिया, तो पहले तो स्टार्टिंग में 1-2 टीम लगाता था, तो 1-2 टीम लगाने के बाद जब मैं चालू किया इसको लगा के, तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होता था। फिर इसके बाद जब धीरे धीरे मैं उसको इसको समझने लगा, भाई किसी चीज को अगर तुम ज्यादा समझोगे तो ज्यादा पाओगे, तो वही चीज मैं करने लगा, मैं इसको अच्छे से समझने लगा। समझने का मतलब यह है भैया कि इसको जो है, जब मैं इसमें एक टीम लगाता था तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए मिल जाते थे, अगर बढ़िया टीम हुई तो, अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन और बॉलर मेरे अच्छे सिलेक्टेड हो गए तो मुझे 100-200 रुपए मिल जाते थे। तो अब 100-200 रुपए में यार, जब मैं डिब्बा खेलता था तो डिब्बे में तो मुझे ज्यादा मिल जाते थे इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो फिर मैंने और ज्यादा दिमाग, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा दिमाग मैंने लगा अपना, कि मैंने कहा अगर एक टीम में मिल रहा है तो मैं अगर 2-4 टीम और लगाऊं तो मुझे और भी प्रॉफिट होगा। भाई प्लस पॉइंट ये है कि बड़ी लीग मुझे खेलनी नहीं है, खेलनी मुझे छोटी लीग है, 49 रुपए, 39 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ऐसी टीम मुझे खेलनी थी। तो इससे अच्छा मैं एक बार में अकाउंट में पैसे रखता था, 1,000-2,000 लगा के खेलता था और कम से कम जितनी ज्यादा से ज्यादा टीम में बना सकता था जी, जितनी ज्यादा से ज्यादा
उतनी याद याद टीम बनाता था मैं, क्योंकि रघुराज जी यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज भी रहते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोचते हैं कि एक दिन में कितनी टीम बनाए कि हमारी विनिंग हो। कई कई लोग दो टीम बनाते हैं, कई कई लोग सोचते हैं कि दिन की 10 टीम बनाऊंगे तभी प्रॉफिट होगा। आपका क्या मानना, कितनी टीम बनाओ कि रैंक वन तक आ जाए? देखिए, अगर आपको रैंक वन लेना है सर, तो जितने अधिक से अधिक आप टीम बना सकते हैं, मे बी कम से कम 6 से 7, और ज्यादा से ज्यादा आप जितनी बना लें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 10 टीम बना के खेल रहे हैं, और 10 टीम में अगर मान लीजिए 49 की लीग होती है, अगर वो लीग लगा रहे हैं, तो एक लीग लगाने में 50 रुपए लगते हैं आपके, एक मोटा मोटा मान लीजिए 50 रुपए लगते हैं, तो 10 लीग का कितना हुआ? 500 रुपए। और 500 रुपए में मान लीजिए बाई चांस लक बाई अगर कोई एक टीम आपकी फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड मतलब टॉप 5 में आ गई, तो लाखों करोड़ रुपए छाप देंगे आप भाई। अगर करोड़ रुपए की लीग है, करोड़ रुपए में आप 5वें 6वें रैंक में आ रहे हैं या फर्स्ट रैंक में आ रहे हैं, तो आपका तो प्रॉफिट हुआ ना, लाखों रुपए जीत जाएंगे, लाखों रुपए प्लस हुआ। 1000 रुपए लगा के अगर आप बढ़िया अमाउंट विनिंग कर रहे हैं, तो क्या प्रॉफिट है इसमें? मतलब कोई लॉस है आपको? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट है। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा टीम बनाएंगे सर भाइयों, तो उतना ही आपको प्रॉफिट होगा जी भाई। मैं, ये मेरा दिमाग है, मैं अपने मतलब मेरी कुछ थीसिस है, मैं अपने थीसिस से अगर खेलता हूँ, अगर मेरे कहने के मुताबिक आप खेलिए, तो सर जैसे मैंने विनिंग किया है वैसे आप भी विनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी मैंने रैंक 5 पांचवी रैंक लाई है, मतलब मैं 11 टीम बना के खेला था उस दिन, 11 टीम बना के खेलने में मेरा एक में आया है 105 और दूसरे में आया है 5 और एक में आया है 10। अब सर बताइए, मेरा इतना अमाउंट, मतलब जितना अमाउंट मैं विन किया हूँ, ये करीब है मेरा 1,90,000 एक में मिला था मुझे, और ऐसे करके कई अमाउंट में मिला है, एक में मुझे 70 लाख रुपए मिला है जी। तो ये सारे अमाउंट में अब आपको क्या बताऊं, मैं यही 11-12 टीम बना के मैंने खेली है, और बताया आपको अपने रैंक के भी बारे में बताया कि ऐसे खेलेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा जी। तो देख लीजिए मेरी, मैं अपनी आईडी और सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए जाके, अगर आपको बिलीव नहीं होता है जी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सर फ्रॉड है, ये वो वगैरह वगैरह ऐसे करके होते हैं ना, उसके लिए मैं अपनी आईडी जो है ड्रीम इलेवन की आईडी आपको दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ सर के पास, आप देख लीजिएगा जी। क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोगों का वाकई में इस चीज को लेकर क्वेश्चन रहता है कि भाई सिंगल टीम से हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि वाकई में ड्रीम इलेवन में अगर आप सिर्फ 49 रुपए का एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके करोड़पति बनने को आप देखते हो, तो भाई यहाँ पे आपके लिए काफी मुश्किलें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो 8-10 बार विनिंग कर चुके हैं। सही बात, आप बिगिनर हो यार, आपको अभी आइडिया नहीं, आपने एक बार ग्रैंड लीग में रैंक को नहीं प्राप्त किए, तो कैसे आप लोग ये अजम्प्शन कर सकते हो कि भाई मैं एक सिंगल टीम बना के करोड़पति बन जाऊंगा? आपके सामने ड्रीम इलेवन के विनर बैठे, जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, जो सीक्रेट बता रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, दोस्तों अगर इनकी बात को आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोग नेक्स्ट ड्रीम इलेवन के विनर होने वाले हो, ये आप लिख के ले लो। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कई लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि प्लेयर को कैसे हम एनालाइज करें, कैसे हम सेलेक्ट करें कि आज ये प्लेयर अच्छा चल सकता है, ये चीजें कैसे जानकारी मिलती है? क्या पिच को देख के आप एनालाइज करते हो, कि ग्राउंड को देख के करते हो, कि पुराना मैच की हिस्ट्री देखते हो, क्या आप प्रीफर करते हो देखना? देखिए सर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है, हर बंदे के अंदर ये मतलब दिमाग में ये चलता रहता है कि कौन सा प्लेयर उठाऊं, कौन सा प्लेयर ना उठाऊं, क्योंकि सारे प्लेयर अच्छे फॉर्म में होते हैं, जो भी प्लेयर होते हैं सब बढ़िया खेलते हैं, प्लेयर सारे बढ़िया होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि मैच कहाँ हो रहा है, सबसे पहले देखिए कि मैच कहाँ हो रहा है, किस ग्राउंड में हो रहा है, उस ग्राउंड का पुराना रिकॉर्ड देखिए, ठीक है, उस ग्राउंड का आप पुराना रिकॉर्ड देखिए, स्टेडियम में कौन सा बल्लेबाज चल रहा है, कौन सा बल्लेबाज वहां नहीं चल रहा है, ये बहुत ही मोस्ट चीज है। उस ग्राउंड में पहले तो ग्राउंड देखिए आपका, कि कौन सा ग्राउंड है, स्टेडियम कहाँ है, किस स्टेडियम में हो रहा है, और फिर पुराने मैचेस के आधार पे आप उस ग्राउंड में हर बैट्समैन, बॉलर और फील्डर की जो है प्लेसमेंट देखिए, कि वहां वो कैसा बंदा, वहां का उसका परफॉर्मेंस कैसा है जी। लाइक अगर ले लीजिए अभी आपका ये लखनऊ में मैच हुआ है, लखनऊ में विराट कोहली की क्या पोजीशन थी, है ना, तो वही सब आपको उठाना है दोस्त, कि मेरे भाई अगर तुम पुराने मैचों को देखोगे तो तुम्हें खुद से एनालाइज हो जाएगा कि यहाँ कौन सा बंदा बढ़िया परफॉर्मेंस करता है, सबके साथ आप भी वही हो जाएंगे। थोड़ा सा अलग सोचिए, हटके सोचिए, बस जिसके फॉर्म बढ़िया हो उसे उठाइए।
जी ये बेटर है जी। तो बहुत अच्छी जानकारी थी यहाँ पे भाई रघुराज जी ने कि अगर वाकई में ड्रीम इलेवन में आप विनिंग करना चाहते हैं तो इनके सीक्रेट इनके स्ट्रेटजी को आप लोग समझ के चलोगे तो आपके भी ड्रीम इलेवन में बेहतरीन विनिंग होने वाली है। साथ ही साथ जो चीजें इन्होंने बताई पिच को कैसे एनालाइज करो, कैप्टन और कैप्टन कैसे चुनो, अगर आप लोग इन चीजों को वाकई में आप लोग परफॉर्म करते हो अपने डेली लाइफ में जब टीम बनाते हो तो आपकी अच्छी विनिंग होगी, आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो एक बार बहुत बहुत मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई आपका, आपने इतना कीमती समय अपना दिया हमसे मुलाकात करने के लिए, अपने समय दिया और भाई आपके लिए जो यहाँ पे दोस्तों यूनिक इन्फॉर्मेशन शेयर होती है ये आपको विनिंग कराने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो भी हार्डवर्क हो रहे हैं आपको जिताने के लिए तो आप लोगों का फर्ज बनता है भाई, आप लोग हमको सब्सक्राइब करो, आप लोग लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ताकि आप लोगों के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहें। तो यार टेलीग्राम जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कर दो, धन्यवाद।